Morning students work from home online classes from St. Angel's Public School Bagpat. Students, we have completed the three third part of the chapter Albert Einstein at school. Now come to the fourth part. In the last part, we read that Yuri, who was the best friend of Albert, arranged a doctor, Dr. Ernest Well, who was a specialist in nerve trouble. So now एलबर्ट वॉज रेडी टू विजिट हिम बट एट द सेम टाइम यू री सेड दैट ही इज नॉट अ फूल ही वॉन्ट एल्बर्ट मीन्स एक तरीके से उसने उसको चेतावनी दी उसको समझाया कॉन्शियस किया कि वो कोई बेवकूफ नहीं है हु वॉज ही ही अर्नेस्टवेल वॉट डू यू मीन मतलब तुम्हारे कहने का इस बात का मतलब क्या है डोंट ट्राई टू पूल द वूल ओवर हिज आईज देन यूरी सेड कि ज़्यादा बात को पुल द वूल मीन्स खींचना पुल मीन्स खींचना और द वूल वूल मीन्स ऊन लेकिन यहाँ पर बात को ज्यादा खींचने की कोशिश मत करना पुल द वूल ओवर आईज मीन्स चीट करना किसी को तो कहते ज़्यादा उनको धोखा देने की कोशिश तुम मत करना दैट्स ऑल बी फ्रेंक विद हिम मतलब उसके साथ फ्रेंक रहना बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट वॉट यू हैवेंट कहते ज़्यादा दिखावा मत करना शो ऑफ कि जो तुम्हें नहीं है उस चीज के होने का दिखावा मत करना नॉट दैट यू वुड डिसीव एनी वन क्योंकि तुम किसी को भी चीट नहीं कर सकते हो डिसीव मी चीट करना धोखा देना यू री एडेड यू आर द वर्स्ट लॉयर और तुम दुनिया के सबसे बुरे झूठ बोलने वाले इंसान हो मीन्स क्या बताना चाह रहे हैं वो कि एल्बर्ट जो था जो भी बात थी सामने ऑनेस्टली वो कह देता था लेकिन उसे झूठ बोलना नहीं आता था एल्बर्ट स्पेंट द नेक्स्ट डे विंग वॉट टू टेल द डॉक्टर अब पूरे दिन एल्बर्ट ये सोचता रहा कि आखिर मैं डॉक्टर से मिलूंगा तो मुझे क्या कहना है वेन द टाइम अराइव्ड फॉर हिज अपॉइंटमेंट ही हैड वर्ड अबाउट ओवर इट सो मच डैट ही रियली वॉज क्वाइट नर्वस और जैसे जैसे अपॉइंटमेंट मीटिंग का टाइम नजदीक आता गया वो ऑलरेडी इसके बारे में इतना परेशान हो चुका था इतना सोच चुका था कि उसे वास्तव में ही वो अपने आप को नर्वस कर रहा था इन दिस पार्ट आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल डॉक्टर वेल ही सेड ही बिगेन और फाइनली उन्होंने कहना शुरू किया कि डॉक्टर मैं बता नहीं सकता हूं मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं कहाँ से अपनी प्रॉब्लम आपको डिस्क्राइब करना शुरू करूं डोंट ट्राई सेट द यंग डॉक्टर विद अ फ्रेंडली स्माइल लेकिन तभी डॉक्टर ने कहा कि नहीं तुम कोशिश भी मत करो यूरी हैज ऑलरेडी गिवन मी हिस्ट्री ऑफ द केस कहता यूरी ने मुझे पहले ही सारी तुम्हारे केस की हिस्ट्री समझा दी है ओ वॉट डिड ही से अरे क्या कहा उसने ओनली दैट यू वॉन्ट मी टू थिंक यू यू हैव हैड अर्वस ब्रेक डाउन बस उसने मुझे यही बताया कि मुझे ये सोचना है कि तुम्हें नर्वस ब्रेक डाउन है एंड से दैट यू मस्ट 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 नॉट गो बैक टू दैट स्कूल और तुम वापस उस स्कूल जाना नहीं चाहते हो ओ डियर एल्बर्ट फेस फेल और एल्बर्ट का चेहरा जो है लटक जाता है वो अपने आप को बिल्कुल फिर से डिस फील करता है ही शुडेंट हैव टोल्ड यू दैट कि अरे उसको ये आपको नहीं बताना चाहिए था वाई नॉट क्यों नहीं इजेंट इट ट्रू देन कि क्या इसका मतलब फिर ये बात सच नहीं है देन एल्बर्ट सेड यस दैट इज द ट्रबल कहता कि हाँ यही तो प्रॉब्लम है यही तो डिफिकल्टी ट्रबल मीन्स डिफिकल्ट है यही तो प्रॉब्लम है नाउ यू विल से देर इज नथिंग रॉन्ग विद मी और अब आप कहेंगे कि नहीं मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड यू विल टेल मी टू गो बैक टू स्कूल और अब आप मुझे बोल देंगे कि मुझे तो किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं है तो मुझे स्कूल जाना है डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट सेट द डॉक्टर डॉक्टर ने कहा कि नहीं तुम पहले से ही इतना श्योर मत हो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम प्र श्योर यू आर इन नर्वस स्टेट अबाउट दैट स्कूल कहते हैं कि जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ मैं बिल्कुल श्योर हूँ इस बात के लिए कि तुम नर्वस हो बहुत ज़्यादा स्कूल को लेकर स्कूल जाने को लेकर इस स्थिति में हो कि बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहे हो बट आई हैवन टोल्ड यू एनी थिंग अबाउट इट सेड एल्बर्ट एलबर्ट ने कहा लेकिन मैंने तो आपसे कुछ भी नहीं बताया है वाइड आइड वाइड आइड मीन्स आंखें खोलकर मीन्स सरप्राइज्ड अपने आप को फील करता है वो हाउ कैन यू नो आपको कैसे पता लगा कि मैं मतलब मुझे मैं नर्वस मैं मुझे नर्वस ब्रेकडाउन है बिकॉज यू वुडेंट कम टू सी मी अबाउट दिस इफ यू हैड प्रीन प्रिटी क्लोज टू अ नर्वस ब्रेक डाउन देन डॉक्टर रिप्लाइड कि तुम मेरे पास आते ही नहीं अगर तुम बिल्कुल नर्वस ब्रेक डाउन के नजदीक कंडीशन पर हो अगर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता तो तुम मेरे पास आते ही नहीं दैट इज वाई इसीलिए मैंने कहा नाउ सेट द डॉक्टर ब्रेस्केली ब्रेस्केली मीन्स ब्रेस स्विफ्टली एकदम चुस्ती के साथ अलर्टनेस के साथ इफ आई सर्टिफाई दैट यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन एंड मस्ट स्टे अवे फ्रॉम स्कूल फॉर अ अवाइल वर्ट विल यू डू देन ही कि ठीक है सपोज मैं ये लिख देता हूँ कि तुम्हारे लिए अभी स्कूल जाना अच्छा नहीं है तुम्हें स्कूल से दूर रहना है लेकिन तुम उस समय क्या करोगे आई विल गो टू इटली इटली चला जाऊंगा वेयर माई फादर आर कहता है और फिर वहां से मैं कहाँ चला जाऊंगा मिलान चला जाऊंगा जहां मेरे फादर रहते हैं एंड वॉट विल यू डू देयर अच्छा वहां क्या करोगे आई विल ट्राई टू गेट इन टू एन इटेलियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट कहता है मैं वहाँ से किसी इटेलियन कॉलेज और किसी इंस्टीट्यूट में एंटर होने की कोशिश करूँगा। हाउ कैन यू डू हाउ कैन यू विदाउट अ डिप्लोमा देन अगेन डॉक्टर आस कि अच्छा तुम ये कैसे कर सकते हो भाई जब वहाँ की एलिजिबिलिटी ही ये है कि आपका डिप्लोमा क्लियर होना चाहिए तो तुम ये चीज़ कैसे कर सकते हो देन एल्बर्ट रिप्लाइड आई विल आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर टू गिव मी समिंग अबाउट माई वर्क कहता है कि मैं अपने मैथमेटिक्स के जो टीचर हैं उनसे बोलूँगा कि वो मेरा जो भी काम मैंने किया है उसके बारे में मुझे कुछ रेफरेंस वो लिख कर दें एंड पर दैट विल बी इनफ और मुझे लगता है कि वो काफ़ी होगा आई हैव लर्न ऑल द मैथ दे टीच एट स्कूल क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ाई जाने वाली सभी जो पूरी मैथ है मैं वो जान मुझे आती है मैं पढ़ चुका हूँ सीख चुका हूँ एंड बिट मोर बल्कि थोड़ा सा उससे ज्यादा ही एडेड वेन डॉक्टर वेल लुकड डाउटफुल मतलब डॉक्टर जब डाउटफुल थोड़ा सस्पीशियस दिखाई दिए तो तभी वो कहता है कि मैं इससे थोड़ा ज्यादा ही सीख चुका हूँ वेल इट इज अप टू यू ही सेड आई डाउट इफ इट विल कम ऑफ बट आई सी आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ और एनी वन एल्स मच गुड बाय स्टेइंगयर तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है इट इज अप टू यू ये तुम पर डिपेंड है आई डाउट कि मतलब मुझे अभी भी शक है इफ इट विल कम ऑफ कि ऐसा ही बिल्कुल होगा बट आई कैन सी लेकिन मैं इतना जरूर देख सकता हूं कि दैट वॉट दैट यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ एंड एनी वन एल्स मच गुड कि तुम यहां के ना तो अपना अच्छा करे ना ही किसी और का हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू स्टे टू से यू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल कहता है कि अच्छा मुझे बताओ कि मुझे कब तक तुम ये चाहते हो कि मैं ये लिखूं कि तुम्हें स्कूल से दूर रहना है वुड सिक्स मंथ बी ऑल राइट कि क्या सिक्स मंथ का टाइम जो है वो सफिशियंट होगा ठीक होगा स्टूडेंट्स मार्क द डिफिकल्ट वर्ड डाउटफुल डाउटफुल मीन्स सस्पिशियस दिस इज द डिफिकल्ट वर्ड स्टूडेंट्स मार्क द चैप्टर हियर We will start its next part in the next class. Thank you. Have a nice day.